मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से कि देखो भाई खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहनें, आप तो जल्दी समझ जाएगी, रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी, या उनके पेट में पैदा होने वाले जूसेस कैसे होंगे? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते। तो उनके यहां क्या करना पड़ता है कि जूसेस पैदा होने में सूर्य के प्रकाश की जो मदद चाहिए वो तो मिलती नहीं है, क्योंकि हीट चाहिए, हीट तो मिलती नहीं है। तो खाने के पहले थोड़ी शराब पिएंगे, खाने के बाद थोड़ी शराब पिएंगे, ताकि थोड़ी हीट तो आए, थोड़े जूसेस तो बने। क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बिना गर्मी के बन ही नहीं सकता। हमारे यहां तो शरीर गर्म है क्योंकि वातावरण गर्म है, उनके यहां तो बर्फ पड़ रही है तो शरीर भी ठंडा है, जैसी बर्फ ठंडी है वैसे शरीर उनका ठंडा है। अब पेट में एक्सीएल का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो बेचारे कहेंगे कि भैया थोड़ी ब्रांडी पी लो पहले, खाने के पहले थोड़ी बियर पी लो, थोड़ी कॉन्याक पी लो। कॉन्याक एक तरह की शराब का नाम है जो यूरोप में सबसे ज्यादा पी जाती है, क्योंकि यही एक शराब है जिसको पीने के बाद थोड़ा जूस बनेगा, तो आपने जो सड़े मैदे की पाव रोटी खाई है वो थोड़ी बहुत पचेगी। और अगर आप ये नहीं पी पाए तो पचना सवाल ही नहीं। तो अब वहां रहने वाले हर आदमी को बियर पीना जरूरी, शराब पीना जरूरी, कॉन्याक पीना जरूरी। अब हम बिना सोचे समझे उनकी नकल करके खुद बियर पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, कॉन्याक पीना शुरू कर दें, तो हमारा तो सर्वनाश। क्योंकि यहां तो वैसे ही पेट में गर्मी बहुत है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत है, ऊपर से बियर पी के और गर्म करोगे तो मर नहीं है यहां। तो बिना सोचे समझे, बिना अकल के अगर हम उनकी नकल करें तो बीमारी ही बीमारी।